ओके अभी आज का टॉपिक है हाउ यू रिमाइंड मी व्हेनेवर आवर सेशन स्टार्ट्स नो यू रिमाइंड मी दैट डिड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग और नॉट ओके बिकॉज आई एम मेकिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज नॉट ऑटोमेटिक ओके सो व्हेन आवर कनेक्शन विल इंटरप्ट नो सो अगेन विल जॉइन बैक आवर क्लास विल गेट ओवर एट 9:15 फाइन ओके यू टेल मी व्हाट इज एप्सिलॉन What is R and what is D? पहले एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस प्रभु पृथ्वी लोक पर पधारो वी आर नाउ इन थर्ड चैप्टर परमिटिविटी लास्ट लेक्चर हैव यू अटेंडेड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूजन लास्ट लेक्चर शिवम हैव यू अटेंडेड यस सर तो एप्सिलॉन को तो हमने उस टाइम पे ईएमएफ बोला था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला था आर को बोला था इंटरनल इसको रेडियस मत बोलना अभी इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस व्हाट वाज वी हाँ होमवर्क इज नॉट डन एम आई राइट शिवम हाँ लाउडर सबमिट कर दिया सर सबमिट कर दिया कब किया तो इसमें ये वी फॉर टर्मिनल वोल्टेज मैंने तो पढ़ाया था सिर्फ वोल्टेज नहीं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री हेलो ऑल ऑफ यू नो आंसर वी इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर ऐसा कुछ था यस सर लेट मी सी हाउ मच यू हैव सबमिटेड वर्क होमवर्क ऑफ 1906 देख लो पांच लोगों ने ही किया है आई वॉज वंडरिंग दैट वाई दिस पीपल इज साइलेंट म्यूट में कैसे चले गए जैसे नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता आप लोग कभी होमवर्क नहीं करते हो कितनों का बाकी है कितनों का 31 ठीक है प्रभु हम भी आपको सुधार के रहेंगे ये भी बता दो कि कौन से सबमिट किए हैं मैं बता रहा हूँ दीप पार्थवी आर्यन शिवम एंड मानुषी ओनली फाइव स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड रेस्ट ऑफ यू ऑल नाउ यू टू सबमिट टू टाइम्स राइट इट टू टाइम्स एंड सबमिट एंड आई वॉन्ट इट टुमोरो इज इट क्लियर ऑल दिस 31 असाइंड And there are many mamus and mamis who are not attending this class. So I'm going to ring their parents. Today I'm free. Today only one class in morning. Rest of the time I'm free. Those who are regularly not attending, Abhi, then Vidhi, Vivek. ओके और आपका आज का अटेंडेंस ले लेता हूँ होल्ड ऑन इन द मेन वाइल ऑल ऑफ यू रीड इन योर टेक्स्ट बुक और इन योर पीडीएफ फाइल विच आई हैव सेंड व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट वी एप्सिलॉन एंड आर ओके डोंट सी टाइटल
याशिता इज एब्सेंट, याशिता इज प्रेजेंट। सर शायद वो आपने 9:15। हाँ नहीं नहीं सब कुछ नहीं, वो आई है। आई आई शी इज प्रेजेंट। ओके सो अभी तो कुछ बोलो, थोड़ा मेरी जान बचाओ। आई एम वरीड, मैं ऐसा सोच रहा था कि आई एम टीचिंग सो नाइस, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग सो नाइसली, मैं 10 ग्राम पढ़ाता हूँ बच्चे 20 ग्राम समझते हैं। डू वी नो अबाउट दिस रिलेशन? यस सर। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, यहाँ प्लस क्यों नहीं है? ये क्या था बेसिकली? एनर्जी एक्वायर्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, ऐसा था। आई क्या था? करंट। आर क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँ तो क्या मिलेगा? एनर्जी लॉस्ट इन सेल। एप्सिलॉन वॉज बीन एक्वायर्ड, आई आर इज लॉस्ट विथ इन द सेल, सो व्हाट वॉज वी? एनर्जी अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। ये कथा किया था मैंने, इस शॉर्ट में रिपीट किया। एप्सिलॉन का यूनिट क्या है? पोटेंशियल का जो है वही एप्सिलॉन का है। वोल्ट और जूल पर कूलम। वी का यूनिट क्या आएगा? इट इज ऑल्सो वोल्ट, दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। आई इज एम्पियर, आर इज ओम। आयर का यूनिट क्या आएगा? एम्पियर वोल्ट ही आना चाहिए, डायमेंशनल। डायमेंशनल करेक्ट। वोल्ट इक्वल टू वोल्ट माइनस क्या होगा? वोल्ट। आई आर का आंसर भी होना चाहिए वोल्ट जूल पर कूलम। दीज आर द क्वांटिटी एंड दीज आर द यूनिट्स। अब ये भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ये होमवर्क में आ रहा है इसलिए मैं थोड़े प्यार से लिख रहा हूँ। ओके देन वी हैड सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला था, आई बिलीव दैट वी ऑल आर ओके विद दैट। लेट्स सी इन टेक्स्ट बुक। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विथ वन इलस्ट्रेशन। ये टू सम्स वर ऑल्सो गिवन, ओके फाइन एज यू विश। टुमोरो इवनिंग एट 6 o'clock यू विल हैव टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, वॉट एवर वी डिड, वॉट एवर वी आर गोइंग टू टिल डेट। इज इट फाइन सर? माय क्लासेस आर देयर 6 o'clock, then 7 o'clock in the evening.
नहीं होना चाहिए ना सर। ठीक है तो 8 o'clock। नहीं सर क्लासेस होते हैं। क्लासेस तो होते रहेंगे भी, 12 साइंस में हो सर, रात के 10 बजे रख दो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। नो आई वांट सम रीजनेबल टाइम। 10:30। साढ़े दस नहीं टाइम रहेगा, द लेट इट बी 7:30। ठीक है 7:30 to 7:45। एंड लेट्स पुट वन कंडीशन, इफ यू आर गेटिंग लेस देन 70% इन द टेस्ट, योर पेरेंट्स विल टॉक टू मी दैट वाई योर चाइल्ड got less marks, they'll ring me. I'll not ring, they have to talk to me. Is it fine? Hello? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कल है टेस्ट, कल टेस्ट है 7:30 पर। परसों से आई एम आस्किंग यू, टाइमिंग विल बी योर्स, टेस्ट विल बी माइन, and consequence will be again yours. So if you want to do, आज है आई थिंक वेनसडे राइट, यू वॉन्ट टू हैव इट ऑन फ्राइडे, गिव मी टाइम फास्ट। हाँ हाँ सर फ्राइडे, फ्राइडे पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। ओके टाइमिंग बोलो। 7:30 बराबर है। ओके 7:30 नहीं सर हमारा क्लास होता है 7 to 8 क्लास होता है। 7 to 8 क्लास होता है, देन 5 to 6 सर नहीं। यस सर मेरा क्लास होता है सर 5 to 6। सर बेस्ट टाइम कह रहा हूँ सर, 10 o'clock का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। ओके 8 to 9 इवनिंग। 8 to 9 सर खाना, ओ खाना वो 10 मिनट का 15 मिनट का आगे पीछे कर लेना चलेगा। ओके डन 8 to 9। 8 बजे सर चलेगा सर। हाँ 8 to 9 एमसीक्यू है, एमसीक्यू टेस्ट है, एमसीक्यू है 15 मिनट्स ओनली, हाँ इट नॉट टेक मच टाइम। ओके इवन मेरा खाने का टाइम भी होता है, मैं भी एडजस्ट करूँगा आप भी करो, राइट लाइफ इज लाइक दैट, इसी को जीना बोलते हैं। चलो मतलब 8 बजे ना सर। हाँ 8 फ्राइडे सर। यस 8:15 रखो क्योंकि क्लास खत्म होते होते 8:15 हो जाते हैं। यशस्विनी इट इज क्रिशा, क्रिशा 8:15 टू 8:30 ठीक है, 8:15 to 9:15 व्हाटएवर सर वो चलेगा फिर। 8:15 ओके फाइनल वर्जन का। ओके हमने सेल का ये पार्ट कर दिया था, ये थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ना ये स्टोरी, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओनली वन डिफिकल्टी यू विल फाइंड इन दिस, इट इज़ इन इंग्लिश, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके नाउ एग्जांपल 3.5 विल डू एंड विल कम टू नो हाउ मच डू वी नो अबाउट ओम्स लॉ। ठीक है तो शुरू हो जाओ, ऑल ऑफ यू स्टार्ट सॉल्विंग। सो कैन यू सी दैट पीडीएफ फाइल ऑन योर स्क्रीन? यस सर। ऑल ऑफ यू ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक। Let us see who draws better, me or you. I am also drawing. तो आंसर आ गया। मैंने फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला है। Why figure is important?
I'm going to ask randomly any of you to switch on the camera and show me the diagram. My diagram is over. This is what I have drawn. Okay. Darshan, show your diagram. हाँ दिख रही है, हाँ फ्रीज हो गया. ओके दिया, ओके फाइन दिया, यू शो योर डायग्राम. डायग्राम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पार्टली दिख रहा है, फ्रीज हो गया तुम्हारा मोशन पूरा. बट इट सीम्स टू बी ओके दर्शन. आई वांट टू से दिया, शो योर सर्किट डायग्राम. And then Diya, then afterwards I'll ask Jaimin and then Maharshi. So you be ready. Diya, I'm waiting. मैं वायरस कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे नेट से. कौन? मैं शिवम. हाँ ठीक है, आ जाओ. दूसरे नेट से वायरस कनेक्ट कर रहा हूँ. हाँ. ओके. Diya, you are still off the camera. Jaimin, sir, can I show you mine? Yeah, sure. Those who have drawn, no, show your diagrams fast. All of you, switch on your camera and let me see. Okay, Maharshi. Okay, fine. Ronak, yeah. Prakhar, fine. Dviti, I'm waiting. Dviti, Aditi, Khushi. Yeah, Jamin, fine. Okay, Aditi. Aditi, show it again once more. Are you see, again put it in front of camera. Aditi, your resistor diagram is there, no? Draw resistor properly. I'll show where the mistake is. Yeah, yeah. Jaimin, yours is also, there is a mistake. Yeah. Dviti, this is fine. Shivam, this is fine. Aditi and Jaimin, I'll show what the mistake was. And meanwhile, Diya is still having problem. Yashita, Khushi Mehta, come alive. Achyut, yeah, you are showing it. Achyut, keep it in front of camera. Yeah, better, good.
परसों जो टेस्ट है वो कौन से चैप्टर का? ये थर्ड चैप्टर ही, व्हाट एवर वी आर कवरिंग टिल टुडे। Now we'll do one thing, all of you keep your camera always on. Yes. And now the rule is, all of you will keep your camera on. All the way. No need to switch it off. Say if it is the real classroom, I can see at you at any moment. No, that way. जयमीन महर्षि अदिति तिलक रौनक यशस्विनी एंड दर्शन मानुषी स्विच ऑन योर कैमरा। ओके What was the question? Either way. Equivalent resistance of the network. Hold on, I will share my screen. Okay. Compute equivalent resistance of the network. So 4 ohm parallel 4 ohm. How many ohms it will become? 2 ohms, okay. And then 12 and 6. How do you find its equivalent resistance? 1 upon 12 plus 1 upon 6. Okay. In the diagram RAB is nothing but 4 parallel 4, so you can straight write 2. Okay. RCD, if you want to find, it is 12 parallel 6. So uske liye formula hai. Either what Darshan spoke that, or you can write 12 into 6 divided by 12 plus 6.
So 72 by 18. So that makes 4 ओम. तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम. सर आपने रिकॉर्डिंग हाँ चालू ही है सर, रिकॉर्डिंग हाँ चालू ही है, मैंने बंद किया ही नहीं, बट थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. ओके सो दिस विल बी इक्वल रेजिस्टेंस विल बी ऑफ इसका अगर मैं एनसी से ड्रॉ करूँ इसका इसका रेजिस्टेंस आया 2 ओम और इस कॉम्बिनेशन का आया 4 ओम. दिस इज 1 ओम राइट. सो टोटल रेजिस्टेंस एंड आरबीसी ऑलरेडी वी नो आरबीसी इज 1 ओम. सो आर नेटवर्क is equal to 2 plus 1 plus 4 is equal to 7. हमरा पतो आ जायो छा कौन केस पतो आयो छे कौन किलो स्टिल 15 मिनट इज टू गो. सॉरी सर. ओके आर नेटवर्क पे न्यूज़ आया कि क्या चाइनीज ने बहुत सारे अपने टैंक्स ने अनलोड किए इंडिया में सिक्किम के मतलब हाईवे पे बहुत सारे मतलब वीडियो देखा बहुत सारे. अच्छा ना सी दोज हु आर कीपिंग एंड लेट्स सर वर्क इट आउट दिस पार्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट. चैट ऑन करो मैं आपको लिंक सेंड करता हूं. हां यू सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप. ओके एंड अबाउट इंडिया चाइना एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन. राइट नाउ आर नेटवर्क इज 7 एंड व्हाट इज आर इंटरनल इट इज 1 ओम ये है ना. सो दिस इज स्मॉल आर. ये जो है ये है अपना बैटरी ठीक है. सो बैटरी का दिस इज ईएमएफ 16 वोल्ट आर इज 1. सो ये दिस इज योर फर्स्ट आंसर आर नेटवर्क इज 7. This is internal resistance. Okay, second question was asked, what is current? So you know, I equal to potential difference divided by resistance. Potential difference is your epsilon, and you can write this R network plus internal resistance. So this is 16 divided by 7 plus 1 equal to 16 by 8. Equal to 2 ampere. Are you okay with this calculation? Yes, sir. Now remember, A to D, total resistance was 7. This was like 2 plus 1, 3 plus 4, 7. And then this is in series, so when it is also added, it becomes 8 ohm. And so current becomes 16 by 8 2 ampere. That was second question. Third question is current through each. If I am not wrong, obtain current through each resistor. Okay sir, thank you. Let's say उसको नाम दे देते हैं. ये जो है वो I1, this is I2. सॉरी यार सर नोटबुक 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 सॉरी. दिस इज आई वन दिस इज आई टू दिस इज आई थ्री आई फोर आई फाइव और इसके जो पास हो रहे हैं दैट इज आई सिक्स एंड एक्चुअल करंट इन द मेन ब्रांच इज आई. नाउ द मोमेंट यू कुड लुक एट दिस पोर्शन नो दिस पोर्शन this I is equal to 2 ampere. वो हो गया. Can you tell me what is I1 and I2? 1 ampere.
वन एम्पियर, क्यों वन एम्पियर? रेजिस्टेंस आर सेम सो करंट विल स्प्लिट इक्वली. सी करंट कम्स अप टू हियर विद द मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर बट देन इट हैज टू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड बोथ द ब्रांचेस इट सेज 4 ओम रेजिस्टेंस एट दैट मींस करंट इज गोइंग टू डिवाइड इक्वल इन अमाउंट. सो व्हाट कुड बी यस वो तो टोटल एसी बी में पूछा है ना, वो तो ऐड हो जाएगा ना करंट. हाँ लेकिन ये व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू दिस 4 ओम 1 एम्पियर. व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू दिस लोअर 4 ओम? इट इज आल्सो 1 एम्पियर. नाउ बोथ विल मर्ज सो व्हाट विल बी आई 3? दिस करंट्स आर कमिंग हियर, दे आर मर्जिंग, सो अगेन 2 एम्पियर. सो हियर वन थिंग इज सिंपल दैट आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू 1 एम्पियर, आई थ्री इक्वल टू आई एंड दैट इज 2 एम्पियर. दिस यू गेट राइट इक्वल टू आई बाई टू इक्वल टू 2 बाई टू इक्वल टू 1 एम्पियर. ओके तो ये आंसर आ गया, आई वन आई टू का आंसर आ गया, आई थ्री गेन. बट देन इफ यू लुक हियर आई एम शोइंग दैट पार्ट अगेन हियर. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम. लेट्स से दिस इज आई, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू. आई एम नॉट राइटिंग द वैल्यू, जनरल केस. दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू. If diagram is like this, then I1 value can be calculated by this formula. R2 divided by I2 is equal to R2 by R1. R1 R2 by R1 plus R2 into I. And I2 can be calculated using this formula. R1 upon R1 plus R2 into I. Right? Your homework question is derive above formula. I'm not showing the derivation here. I'm directly giving that these formulas are there. If you know I, R1 and R2, you can calculate I1 and I2 using these two formulas. And you have to derive sir, this formula in homework. Question में potential drop ढूंढना है ना? हाँ. Potential drop V is equal to I. Third question. नहीं, third question we are finding current through each resistor. Okay. Now in present case, yeah, one more thing, Jaimin and Aditi. When you are drawing this diagram like this, no, this is wrong. If you are drawing like this, this is also wrong. Correct version is like this. Okay. It should go equally above and below. Okay. This was, I think, 12 ohm. This is 6 ohm. 6 ohm. And this was 2 ampere. This is I. This was, I think, I4 and this is I5. Is it correct? Sir, Khushi ka network thoda nahi hai na, isna wo join nahi ho pa rahi hai. ठीक है, वो she can see video recording है, clear करो. Okay, sir. Okay, now see, if I want to find I4, I can write 6 divided by 12 plus 6 into 2. So 6 by 18 into 2 equal to 2/3 ampere. Very simple. जिस ब्रांच में भी करंट फाइंड करना है उसका ऑपोजिट साइड का रजिस्टर यू हैव टू राइट इन न्यूमरेटर. सो दिस इज आई फोर. आई वॉन्ट टू फाइंड आई फाइव, देन ऑपोजिट साइड रेजिस्टेंस इज 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 6 इन टू करंट 2 एम्पियर. सो it is 12 by 18 into 2, so that will become, this is
सिक्स टू ज़ा नाइन टू ज़ा टू थ्री ज़ा थ्री थ्री ज़ा फोर बाई थ्री. यू कैन चेक इट आउट. इफ यू एड दिस टू इट शुड बिकम टू एम्पियर. सो टू थर्ड प्लस फोर थर्ड बिकम्स टू बिकॉज हियर इट गॉट स्प्लिट एट नो. सो वेन आई फोर एंड आई फाइव वेन एडेड इट शुड बिकम टू. ओके सो दिस इज आई फाइव दिस इज आई फोर. देन वन मोर क्वेश्चन वॉज दैट फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इच. उसके लिए सेम डायग्राम लेट्स यूज. हाँ यार सो टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ओम करंट इज 2 2 2 4. सो वी कैन राइट वोल्टेज अक्रॉस ए बी इक्वल टू आई टाइम्स आर ए बी. करंट इज 2 एम्पियर एंड आर ए बी वॉज 2. सो आंसर इज 4 वोल्ट. वी बी सी यू टू फाइंड तो आई इन टू रेजिस्टेंस बी सी. सो इट वॉज 1 ओम 2 वन ज़ा 2 वोल्ट. देन वोल्टेज अक्रॉस सी डी आई इन टू आर सी डी. वॉट वॉज सी डी आर सी डी हाउ मेनी ओम्स 4 ओम. ए आर सी डी रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम. सो दिस इज इक्वल टू 8 वोल्ट. ओके देन व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इफ यू वांट टू फाइंड. सो इट इज आई इंटू आर. सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 वोल्ट. हियर ऑल्सो यू कैन चेक वंस यू ऐड ऑल दिस इट शुड बिकम 16 वोल्ट. And if this all are added, this should yes, become sir, epsilon and it should become 16 volt. This is a counter check. Is it fine? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is again in homework. So I'll be sharing these pages with you. Now cell in series and parallel will start next time because I won't be able to complete in even 15 minutes. It will take time. My plan was to start with cell in series at least, but my sufficient time got wasted in revising V equal to epsilon minus IR. So don't trouble yourself and myself. This homework is weighted. I have spoken the names. All of you have to write it 2 times, the pending homework, and submit it by evening today. Friday, 8:15 to 8:30, you are having a test in which you have to obtain 70%, else your parents will talk to me. And I'll be sir, talking to those chapter? Who are not. Third chapter, whatever we covered today till 9:15 a.m. ओके सर दिस टाइम इज इंक्लूडेड. ओके सर कितने मार्क्स का? ओ एटलीस्ट 15 मार्क्स. 11 मार्क्स 70% हो गया. 15 मार्क्स मिनिमम. फाइन सो सर आज जो पढ़ा है वो भी इंक्लूडेड है. टुडे आई हैवंट टॉट एनीथिंग न्यू. आई जस्ट रिवाइज्ड लास्ट टाइम्स कॉन्सेप्ट एंड वन इलस्ट्रेशन दैट्स इट. ओके इवनिंग में. हाँ ये जो टाइम लिखा है वो 8:15 to 8:30 p.m. 8:15 to 8:30 p.m. ओके सर. ओके सो ओवर एंड आउट. ओ बाय.